फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ कि काफ़ी दिन से मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चलूँ केराकत। तो वाराणसी जो केराकत की डिस्टेंस पड़ती है 54 किलोमीटर है, जहाँ से मैं हूँ, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 54 किलोमीटर है। और केराकत जाने के 3-4 रास्ते हैं। आप चाहो तो जैसे हरुआ से जलालपुर होते हुए भी जा सकते हो, आप आजमगढ़ से चंदौली रास्ते से जा सकते हो, और सिंधौरा वाले जो रास्ते हैं उस रास्ते से जा सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि देखता हूँ किस रास्ते जाऊँ, लेकिन ऐसे ज़्यादातर क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से मेरे को जाने में रिंग रोड पकड़ करके सिंधौरा वाला रास्ता पकड़ के जाना ईजी पड़ेगा, तो मैं चलूँगा इसी रास्ते से। तो आइए चलिए चले चलते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मैं किराकत जाने की कई बार गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी ब्लॉगिंग या वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं जा रहा हूं, तो कोशिश करूंगा कि मैं बनारस से किराकत की ब्लॉगिंग कर सकता हूं, वीडियो बना सकता हूं। फ्रेंड्स, अभी मैं हूं हरुआ और ये है राज टीवी, और यहां से जा रहा हूं। मैंने जैसे बताया कि मैं अभी जाऊंगा आज किराकत, तो मैंने प्लान किया है कि मैं हरुआ से रिंग रोड को पकड़कर रिंग रोड से होता हुआ बड़ा लालपुर से रिंग रोड को छोड़ते हुए आगे से जाऊंगा। तो अभी हम आ गए हैं रिंग रोड के पास में ही, और आप ये जो व्यू देख रहे हैं रिंग रोड का, ये फेज 1 कम्प्लीट है। फेज 2 पे इधर राइट साइड में काम, लेफ्ट साइड में काम चल रहा है। तो ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं इधर जी सी वगैरह लगी है, अभी राइट साइड में काम चल रहा है। ये हरुआ से राय तालाब तक जाएगा, और यहाँ से हम राइट टर्न कर लेते हैं। राइट टर्न करके फ्रेंड्स हम रिंग रोड पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ से रिंग रोड की शुरुआत होती है। रिंग रोड के बारे में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा रिंग रोड। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि रिंग रोड के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो रिंग रोड बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तो एक ही चीज़ को बार बार बताना पड़ रहा है। आगे भी चलते हुए दिखाता हूँ, इसीलिए मैं आपको मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ क्राइस्टचर्च नगर, और ये जो रास्ता है ये भोजोबीर से सिंधौरा होते हुए थाना गद्दी होते हुए किराकत तक जाता है, और मैं अभी इस रास्ते पर हूँ। मैंने रिंग रोड छोड़ दिया है, रिंग रोड जिस को कट करते हैं। इधर भी डेवलपमेंट हो रहा है, मकान वगैरह और प्लाट वगैरह से और अपार्टमेंट वगैरह इधर बन रहे हैं, और ये जो रास्ता है आगे कई छोटे छोटे मार्केट पड़ेंगे, उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। ये रास्ता आपको टोटल पलई पट्टी थाना गद्दी और सिंधौरा होता हुआ जाएगा किराकत तक। और ये अभी जो जगह आ रहा है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये है बिलवरिया। बिलवरिया हरुआ विकासखंड, वाराणसी में कुछ विकासखंड हैं, उनमें से एक हरुआ विकासखंड है, उसका मुख्यालय है, और यहाँ पे उसके ऑफिस वगैरह और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वगैरह हैं। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं ये पूरा मार्केट है। आप जब बिलवरिया पार करेंगे आयर से पहले, मदान बाज़ार से पहले ये मार्केट पड़ता है। यहाँ देख रहे हैं सब्जी, वेज, चिकन, मच्छी, सबकी दुकानें हैं। तो अभी शाम का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक कम है, नहीं तो शाम होते होते यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मार्केट पे। और मेरे में आगे जो हम पहुँचेंगे वहाँ से मुर्दा बाज़ार, ये मुर्दा बाज़ार है फ्रेंड्स, जहाँ मैं बता रहा था कि मुर्दा बाज़ार है। तो जैसा मैं बता रहा था कि अभी ट्रैफिक नहीं है, दोपहर का टाइम है, और आज मैं संडे का दिन है, संडे के दिन आया हूँ, तो बहुत कम ट्रैफिक है, आराम से निकल जाते हैं। नहीं तो संडे में और दिन आते या शाम का टाइम रहता तो शायद हो सकता है मैं यहाँ पर ट्रैफिक में पहुँच जाता रहता। तो ये मुर्दा बाज़ार है फ्रेंड्स। सामने वो बोर्ड लगा है फ्रेंड्स, उस पर लिखा हुआ है वाराणसी विकास प्राधिकरण आगमन के लिए धन्यवाद। हम पहुंच गए हैं सिंधौरा, और ये सिंधौरा मार्केट है। यहाँ से थाना गद्दी, किराकत, फूलपुर और अभी बगल में सिंधौरा मार्केट है, तो सिंधौरा मार्केट है। और बीच का फ्रेंड्स मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया, ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि मैं वाराणसी से सिंधौरा एक बार आ चुका हूँ, और मैं एक आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो वाराणसी से सिंधौरा आप आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है, लोगों ने उसे पसंद किया। और ये सिंधौरा मार्केट है, मेन मार्केट इधर से, और ये जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये रास्ता सिंधौरा मार्केट है ये भी, लेकिन मेन मार्केट अंदर की तरफ है, ये रोड से ही होता है, निकल जाएंगे। और
थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक रहता है, देख रहे हैं जैसे आप ऑटो है, बाइक्स, कार वगैरह, क्योंकि ये इधर के एरिए का काफ़ी बड़ा मार्केट है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है यहाँ पे, और हर चीज़ यहाँ आसान से इजी से जैसे मार्केट में अवेलेबल होती है वहाँ मिल जाता है। और अगर मेरा कोई फ्रेंड्स कोई सब्सक्राइबर यहाँ से देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सिंधुरा में क्या अच्छा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से हम सीधे सीधे ही निकल चलेंगे थानागद्दी, और यहाँ से थानागद्दी होते हुए फिर सीधे किलाकत आ जाएंगे। और मैंने बताया कि मैं किलाकत जा रहा हूँ, तो अभी मैं सिंधुरा मार्केट में हूँ, ये आप मार्केट देख सकते हैं पूरा यहाँ पे। और शाम का टाइम धीरे होने वाला है, तो चीज वेज नॉन वेज बिक रहे हैं, और ये रास्ता सीधा निकल जाएगा, सीधा हम थानागद्दी की तरफ चले जाएँगे। थोड़ी देर में ही ये मार्केट ख़त्म हो जाएगा, बाहर की तरफ निकलेंगे फ्रेंड्स, और चलते हैं निकलते रहते हैं। पड़ रहा रास्ता अच्छा है, और इधर आने पर सिंधुरा के बाद इधर तो ट्रैफिक भी नहीं रही और काफ़ी साफ है, और ये एरिया बड़ा। तो हम आ चुके हैं फ्रेंड्स थानागद्दी, और अभी थानागद्दी आ गए हैं, ये थानागद्दी मार्केट स्टार्ट हो रहा है इधर से, और मैं सिंधुरा से आ रहा हूँ, तो रास्ता अच्छा है इधर, जैसा मैं बता रहा था कि ट्रैफिक नहीं है और बहुत सही है, रोड भी बहुत अच्छे हैं आने में। तो थानागद्दी है, थानागद्दी आ चुके हैं, और ये जो सामने आपको चौराहा दिख रहा है यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे तो हम चल चलेंगे किरागत की तरफ, और राइट ले लेते हैं तो शायद ये चंदवक की तरफ चला जाएगा आजमगढ़ रोड पे। और ये थानागद्दी मार्केट है, ठीक ठाक मार्केट है, और अभी तक जितना रास्ता आया बहुत अच्छा अच्छा रास्ता रहा, कंफर्ट रहा। यहाँ से जौनपुर, जलालपुर और मड़ियाहूँ भी आप जा सकते हैं थानागद्दी से, क्योंकि आगे एक चौराहा पड़ेगा, वहाँ से हमको राइट लेना है। मैं जैसा बताया था कि आगे एक चौराहा पड़ेगा ये स्कूल्स और ये मार्केट को पार करने के बाद, वहाँ से हम राइट ले लेंगे तो हम किरागत के लिए चले जाएंगे। और बहुत बढ़िया है, अभी तक की जर्नी अच्छी रही, आने में सही रहा, रोड अच्छी होती है तो राइड करने में मज़ा आ जाता है, दिक्कत नहीं होती है। जब रोडें ख़राब होती हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट रखता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ओवरऑल अभी तक सही रहा और बहुत बढ़िया रहा। ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ से हम राइट टर्न ले लेंगे, और राइट टर्न ले लेंगे तो यहाँ से किरागत चल चलेंगे। तो यहाँ से किरागत जो पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर है यहाँ से डिस्टेंस किरागत का, जो मैं शो कर रहा था। अब देखते हैं इधर भी कैसा है क्या है। और शाम धीरे धीरे होने लगी है, मैं दोपहर में निकल के आया हुआ था। ये प्राइमरी स्कूल जो रोड पर ही है, काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। आप व्यू देख रहे हैं ये है गोमती नदी, और गोमती नदी यहाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए मैं रुक गया। ये गोमती नदी, और गोमती नदी पर पुल बना हुआ है जो थानागद्दी से आता है और किरागत पे आके मिलता है, और हाँ उस पर नीचे गए हुए थे, नीचे का व्यू अच्छा लगा।
तो थोड़ा चले गए थे नीचे देखने। शांत लगा, सुकून लगा, ट्रैफिक नहीं था यहाँ पे, अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं किराकत। वाराणसी से किराकत आने में मुझे 1 घंटे लगे, 1 घंटे में आराम से आ गया। रास्ता बहुत अच्छा है, सिंदूरा होकर के आप आ सकते हैं थानागद्दी होते हुए, मतलब वाया सिंदूरा थानागद्दी होकर आप किराकत आ सकते हैं। और ये किराकत का चौराहा है, और ये जो रास्ता है लेफ्ट चले जाएँगे जौनपुर, राइट में आप आगे चले जाएँगे तो किराकत मार्केट में चले जाएँगे, और ये बाईपास है जिधर मैं जा रहा हूँ। और किराकत मार्केट के बारे में कहना चाहूँगा, मैं एक बार एक वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं उसका आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप देखिएगा ज़रूर। मार्केट का पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसमें पूरी डिटेल है, और ये बाईपास है, बाहर ही बाहर आप चले जाएंगे सीधे। जाओ यार, क्या रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये बारी बार आप चले जाएंगे सीधे, और ये किराकत बाईपास पे जो मार्केट है वहाँ पे निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे आने में अच्छा लगा, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो मैं साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं तब तक के लिए फ्रेंड, टिल देन एंजॉय करिए, मस्त रहिए। सलाम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।